हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी जगह से बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप लोग इग्नू से बीसीए कर रहे हो तो BCS011 जो कोर्स कोड है उसका आपका थर्ड ब्लॉक का पहला यूनिट का ये टॉपिक बनता है। तो चलते हैं हम लोग, डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। ठीक है, मान लो आप लोग को फेसबुक का साइट खोलना है या इग्नू का साइट खोलना है, आप लोग को हमेशा ये वाला आईपी एड्रेस टाइप करना होता। ठीक है, आप लोग को हमेशा ये वाला आईपी एड्रेस टाइप करना होता तो सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता ये। ठीक है, आप लोग को गूगल टाइप करना होगा तो आप लोग आईपी एड्रेस टाइप करोगे, आप लोग फेसबुक टाइप करना होगा तो आप लोग आईपी एड्रेस टाइप करोगे। ठीक है, तो बहुत टिपिकल हो जाता ना हम लोगों के लिए समझना कि हाँ भाई, हम लोग को हमेशा एक नंबर याद करना होता, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 1901010.2247, ये इग्नू का आईपी एड्रेस है, ये जो इग्नू का जो डोमेन नेम है उसका ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो एक आम आदमी को इजी तरीके से समझने के लिए डोमेन नेम का ईजाद किया गया। ठीक है, डोमेन नेम बनाया गया। ठीक है, तो हाँ भाई, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, मान लो गूगल है या कोई भी साइट जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, फेसबुक गूगल, ठीक है, सबका आईपी एड्रेस याद करना तो पॉसिबल नहीं है। जो हमारा जो इंसानी दिमाग होता है वो नंबर्स से ज़्यादा अच्छा किसी भी नाम को याद करके रख सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, अपने फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, हमें अपने पापा को कॉल करना है, मम्मी को कॉल करना है, भाई को कॉल करना है या किसी को भी कॉल करना है, तो क्या हम लोग नंबर टाइप करते हैं? नहीं टाइप करते ना, उसका नाम टाइप करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंसानी दिमाग नंबर से ज़्यादा अच्छा नाम को याद रख सकता है। ठीक है, और ये डोमेन नेम सिस्टम बस वही करता है। ठीक है, और भी उसका काम है। ठीक है, ये भी उसका एक काम है, एक इजी नाम देता है हम लोगों को किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ईमेल एड्रेस का। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, वो डेफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इज जस्ट लाइक ए फोन बुक ऑफ इंटरनेट। मतलब फोन बुक क्यों बोला गया है इसे, मतलब हम लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में, टेलीफोन डायरेक्टरी का यूज करते थे। ठीक है, क्यों यूज करते थे, किसी के भी नंबर को सर्च करने के लिए। ठीक है, और ये सेम बाय सेम ये जो आपका डोमेन नेम है ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट, मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट हो गया, सबका अलग अलग डोमेन नेम का एक सिंपल सा नाम होता है जिसमें ह्यूमन आसानी से उसे टाइप कर सके, याद कर सके या अपने ब्राउजर पे उसे टाइप कर सके। ठीक है, हम लोग करते क्या है, जैसे कि google.com हम लोगों ने टाइप किया। ठीक है, google.com का एक आईपी एड्रेस है ना नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, ये जो डोमेन नेम को पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिर आईपी एड्रेस क्या करता है, वो प्रॉपर सर्वर के पास जाता है। ठीक है, प्रॉपर सर्वर के पास जाता है, गूगल के सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, वो चेक करेगा जो हम लोगों ने डोमेन नेम टाइप किया है जिस आईपी के लिए, वो सही है क्या नहीं, अगर सही होगा तो वापस रिस्पॉन्स आ जाता है, मतलब पेज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल है। तो डोमेन नेम सिस्टम इज जस्ट लाइक ए फोन बुक ऑफ इंटरनेट, वी एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं वेब ब्राउजर पे डोमेन नेम के द्वारा ही एक्सेस करते हैं, जैसे ignu.ac.in, facebook.com या कोई भी वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या करता है, कनेक्ट इंटरनेट थ्रू आईपी एड्रेस, मतलब कि आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट करता है। मतलब कि मैंने पहले ही बोला था, जैसे कि हम लोगों को google.com टाइप करना है या यूट्यूब टाइप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डोमेन नेम को टाइप करेंगे, जैसे एक डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को टाइप करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक डोमेन नेम, प्रत्येक आईपी एड्रेस का एक डोमेन नेम होता है, तो यही भी लिखा हुआ है, वो ये यही समझा रहा है। वेब ब्राउजर क्या करता है, कनेक्ट इंटरनेट थ्रू आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस के द्वारा ही इंटरनेट को वो कनेक्ट कर पाता है, उस पेज को फैच कर पाता है, इतना समझ लीजिए, उस पेज को, पार्टिकुलर पेज को फैच कर पाता है जिसके लिए हम लोग ये डोमेन नेम टाइप करते हैं। ठीक है, और डोमेन नेम क्या कर रहा है यहाँ पे, एंड डोमेन नेम प्रोवाइड सिंपलर टेक्स्टुअल डोमेन एड्रेस इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस। ठीक है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस के बदले एक सिंपल सा नाम दे रहा है, एक सिंपल सा नाम दे रहा है जिससे हम लोग आम आदमी इसे आसानी से याद रख सकें। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आपको लिखना ही लिखना है, डोमेन नेम ट्रांसलेट डोमेन नेम इंटू आईपी एड्रेस। ठीक है, डोमेन नेम
ये जो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, इसमें हम लोग DNS करते हैं, ये तो आपका डोमेन नेम हो गया, जैसे कि google.com हो गया, inu.com हो गया, ये सब क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और ये जो पूरी जो कहानी होती है, पूरी सिस्टम जो करती है, वो क्या कहलाती है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, ठीक है। DNS हम लोग इसे कहते हैं, DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद ये सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, सर्वर देखता है कि हाँ इसी पार्टिकुलर डोमेन नेम से उस प्रॉपर IP के लिए हमें रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो वो डेटा क्या करती है, अगर डोमेन नेम सही होगा उस पार्टिकुलर IP एड्रेस का, तो सर्वर डेटा वापस से भेज देती है, जिससे हम लोग का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। ये कब डिजाइन हुआ था, 1983 में डिजाइन हुआ था, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिजाइन हुआ था, डोमेन नेम सिस्टम, ये सब मैंने लिख के रखा हुआ है। आप लोग को अगर डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनेशन में, तो ये डेफिनेशन आप लोग सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग BCA कर रहे हैं इग्नू से, तो मैं थोड़ा सा ब्लॉक पे लेके चलता हूँ आप लोग को, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इग्नू का ब्लॉक है, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इग्नू वेबसाइट, मैंने पहले ही बोला था, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बता कर रखा हुआ है, वही सिस्टम को यहाँ पे समझाया गया है। फिर ये लिखा है, इन ए प्रेजेंट डे इंटरनेट डोमेन नेम सिस्टम शुड कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ इच कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है ना, प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, इंटरनेट डिवाइस का भी एड्रेस होता है, ठीक है। बस इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ठीक है। डॉट इन क्या होता है, डॉट कॉम क्या होता है, डॉट edu क्या होता है, डॉट नेट क्या होता है, डॉट कॉम डॉट गॉव क्या होता है, ठीक है। ये डोमेन नेम का हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं इसे, ठीक है, डोमेन नेम का एक्सटेंशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये बताता है, ये जो .com मतलब कॉमर्शियल कंपनी के लिए .com का यूज किया जाता है, कोई भी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, ठीक है, सन सिस्टम हो गए, EDU का यूज हम लोग करते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट अगर आपकी है, एजुकेशनल कंपनी है, तो हम लोग EDU का यूज करते हैं, ठीक है। ORG का यूज क्यों करते हैं, ORG से कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसके लिए हम लोग ORG का यूज करते हैं, ठीक है। .NET का भी, .NET जो होता है, कोई भी कंपनी के दो कोई भी डोमेन नेम के पीछे जो जो .NET लगता है, इसका भी अगर कोई पार्टिकुलर आपकी खुद की कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ भी हम लोग .NET का यूज कर सकते हैं, ठीक है। .gov सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है, ठीक है। .gov जो एक्सटेंशन होता है किसी वेबसाइट का, वो गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है, ठीक है। in.in आप लोगों ने देख रखा है, www.ignu.ac.in, ठीक है। यहाँ पे इन क्या है, इन कंट्री का जो होता है कोड, ये सब कंट्री का कोड के लिए यूज करते हैं, डॉट इन इंडिया के लिए, .us के लिए, ठीक है। आप जो देख रहे हो यहाँ पे ac और .co है, ठीक है, ये सब डोमेन है, ठीक है, ac.co ये सब डोमेन है, ठीक है। सब डोमेन का हम लोग यूज करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो तीन पॉइंट को मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ये पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। आप मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इफ़ इट नो द IP एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टेड डोमेन, ठीक है, इफ़ इट नो द IP एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टेड डोमेन, इट विल आंसर द रिक्वेस्ट विद इन एन IP एड्रेस ऑफ ए रिक्वेस्टेड डोमेन। इसका मतलब ये कहानी है, ये क्या कह रहा है, मतलब हम कोई डोमेन नेम है जैसे google.com, ठीक है, google.com हम लोगों ने टाइप किया, तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस IP एड्रेस होगा, वो कहाँ जाता है, वो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, ठीक है। सर्वर देख रहा है कि हाँ हम लोगों ने जो डोमेन नेम टाइप किया है, रिक्वेस्ट किया है, वो सही IP के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो डेटा आप लोग के पास आ जाएगा उसका, यानी पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इफ जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इफ इट डज नॉट नो द रिक्वेस्टेड डोमेन नेम, अगर रिक्वेस्टेड जो डोमेन नेम हम लोगों ने टाइप किया, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है उसे, तो दूसरे IP एड्रेस पे दूसरे सर्वर के पास जाके चेक करेगा, हाँ भाई क्या ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारा है, ठीक है। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है, या हम लोगों ने गलत IP एड्रेस या डोमेन नेम टाइप करते हैं, तो एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। आप देखते हैं ना, हम लोग कोई गलत आप डोमेन नेम टाइप करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एरर का मैसेज आता है, या लिखता है पेज नॉट फाउंड, ये गलत आप लोग ब्राउज उसका यूज कर रहे हो, वेबसाइट का नाम का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं ये और ती पॉइंट, ये कहानी है, ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, बट मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ब्लॉक में, अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। बट हाँ, या पूछ भी सकता है, ये पॉइंट पूछ सकता है कि कैसे काम करता है, ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, बट आप लोग समझ लो। एक और टॉपिक है, बट हाउ कैन यू नेम ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब देखो
द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द पेज, हम लोग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं पेज को एक्सेस करने के लिए. द सर्वर ऑन विच द वेबसाइट इज लोकेटेड, द सर्वर ऑन विच द वेबसाइट इज लोकेटेड. ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, प्रत्येक सर्वर, प्रत्येक वेबसाइट का पर्टिकुलर सर्वर होता है जहाँ पे वो लोकेट होता है, स्टोर होता है. ठीक है, द नेम ऑफ द पेज विद इन द वेबसाइट, जो पेज का नाम होता है विद इन द वेबसाइट में ही होता है. प्लीज नॉट डेट द सिंपल वेब पेज, सिंपल जो वेब पेजेस आर स्टोर्ड एज ए फाइल, कोई भी वेब पेज होती है या वेब पेज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो फाइल पे स्टोर होता है. फाइल कहाँ स्टोर होती है, सर्वर पे स्टोर होती है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस कहानी लिखा हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हो ये वेबसाइट है www.ignu.ac.in, आप देख सकते हो ये वेबसाइट है www.ignu.ac.in. ठीक है, ये क्या, ये पूरा, इस पूरे को हम लोग URL कहते हैं. क्या कहते हैं, URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. मैंने पहले ही बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसे समझते हैं. यहाँ पे HTTP जो दिया हुआ है ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये जो है www.ignu.ac.in ये किसका क्या है, वो उसका डोमेन नेम है. ठीक है, अब देख सकते हो ये /result.html है, ये क्या है, ये एक पाथ है, ये बता रहा है कि आपका रिजल्ट किस जगह पे स्टोर्ड है. ठीक है, अब देख सकते हो विच रिसाइड इन द स्टूडेंट्स फोल्डर विद इन द वेबसाइट. मैंने पहले ही बोला था ये इस पूरे को URL कहते हैं. URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, URL को यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, मेनली दो पार्ट ही होता है. चलो हम लोग देखते हैं इग्नू तीन पार्ट क्या कर रहा है. ठीक है, आप मेरे पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हो. URL कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट. पहला पार्ट क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट इज यूज टू टेल द ब्राउजर वाट काइंड ऑफ सर्वर इट विल कनेक्ट, किस सर्वर से ये लोग कनेक्ट करता है, किस सर्वर से आप लोग, सपोज आप लोगों ने कोई वेबसाइट का नाम डाला. ठीक है, जिसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं, तो वो किस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू, HTTP का हम लोग यूज़ करते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, FTP यूज़ करते हैं, SMTP यूज़ करते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट आपका जैसे ignu.ac.in, ये तो डोमेन नेम हो गया, सिंपल है, ये आपका डोमेन नेम हो गया. थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट पाथ नेम हो गया. ये थर्ड पार्ट रहता भी है नहीं भी रहता है. ठीक है, पर जैसे कि ये है ना ignu. मैं ऊपर नीचे चलता हूँ, ignu.ac.in. ठीक है, ये तो थर्ड पार्ट आपका हो गया, ये पाथ नेम बता रहा है. तो ये क्या है, स्टूडेंट नाम का फोल्डर कहाँ पे है, रिजल्ट नाम, result.html, रिजल्ट कहाँ पे है आपका, स्टूडेंट नाम का फोल्डर में है. स्टूडेंट नाम का फोल्डर कहाँ पे है, सर्वर पे है, ये पाथ दिखा रहा है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. HTTP हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये www.ignu.ac.in हो गया आपका डोमेन नेम, ये हो गया आपका पाथ. ठीक है, पाथ रास्ता. ठीक है, अब देख सकते हो अब डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, इस पे मैंने प्रीवियस सेक्शन में बता के आप लोगों को रखा हुआ है. ठीक है, TCP/IP का जो पार्ट है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं. अब देखो जो कहानी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया उसी कहानी को ये फिर से बता रहा है. इग्नू का आदत है वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है. जैसे कि हम लोगों ने कोई URL को टाइप किया, जैसे कि यहाँ पे abc.com है, आप लोगों ने गूगल टाइप किया, google.com टाइप किया, yahoo.com टाइप किया, या कोई भी टाइप किया. ठीक है, तो वो सबसे पहले आपके देखता है वो वेबसाइट, तो जो आप लोगों ने डोमेन नेम टाइप किया उसका जो इन्फॉर्मेशन आपका लोकल कैसे मेमोरी में स्टोर है क्या नहीं, या फिर कंप्यूटर में स्टोर है क्या नहीं. ठीक है, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर सर्वर से फैच करेगा, सर्वर के पास जाता है, देखता है कि हाँ पार्टिकुलर नाम जो हम लोगों ने टाइप किया वो किसी पार्टिकुलर डोमेन का है, किसी पार्टिकुलर IP एड्रेस का है. ठीक है, तो सर्वर के पास जाता है, वो इन्फॉर्मेशन देखता है, वो सही है तो डेटा को शो कर देता है, नहीं सही होता है तो एरर मैसेज देता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. आशा करता हूँ ये छोटी छोटी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, ये जो थोड़ा सा अंतिम में पार्ट बचा हुआ ये ईमेल एड्रेस का है. ईमेल एड्रेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को भी पता है ईमेल एड्रेस क्या होता है. ठीक है, और इसे कैसे बनाया जाता है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आती है तो मैं बता दूंगा. आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को ये जो ब्लॉग का सबसे ऊपर वाला टॉपिक्स, आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कर चुका हूँ. 1.2, 1.3, 1.4 जो है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं. आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है, ये वीडियो तो पर्टिकुलर इग्नू के बच्चों के लिए था. ठीक है, जो इग्नू से BCA MCA कर रहे हो.
ठीक है। हाँ, अगर डोमेन नेम किसी को भी समझ नहीं है तो ये वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो को अच्छी लगी तो। ठीक है, जल्द ही मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।